हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ क्वांटिटी आर मीनिंगफुल डिजिट्स इन इट। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? कोई भी क्वांटिटी है उसमें मीनिंगफुल डिजिट्स हम जितने होते हैं उनका एक काउंट करते हैं हम। ओके, और हम कहते हैं कि इस क्वांटिटी में इतने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं। जब हम इसके रूल को स्टडी करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में है क्या, वो मीनिंगफुल डिजिट होते क्या हैं। ओके, हम कोई भी रीडिंग लेते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारे फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक वैल्यू हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड आता है उसके पास। ओके, तो उसमें से हम कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे और किन डिजिट को हम इनसिग्निफिकेंट बोल देंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक पहला हमारे पास एक यहाँ पे रीडिंग है, ठीक है, 33.24। अब देखिए इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम डिजिट्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4। ओके, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए, इस वैल्यू को देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सारे के सारे डिजिट क्या हैं, नॉन जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं है। ओके, तो 39321 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें कितने हैं, 5। अब यहाँ पे देखिए 2.12316, यहाँ पर भी सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट क्या कहलाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो टोटल कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला रूल है ज़ीरोज बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, अब हमने ऊपर क्या कहा था कि नॉन ज़ीरो नंबर ही सिग्निफिकेंट हैं, पर अगर हमारे नंबर में ज़ीरो है, ठीक है, वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होगी, अगर वो किन्हीं दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है। अब देखो ये ज़ीरो है, अगर ज़ीरो देखिए, ये जो ज़ीरो है ये टू और फाइव के बीच में है। ओके, तो टू नॉन ज़ीरो है, फाइव भी नॉन ज़ीरो है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये जो ज़ीरो डिजिट है ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर इस जो ये जो नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इन दिस नंबर थर्ड जो रूल है, दैट इज लीडिंग्स जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, कोई भी नंबर है जो शुरू के जीरो होंगे, ठीक है, जो बिल्कुल शुरू में जीरो होंगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अब देखो 0.54, ठीक है, ये ज़ीरो जो है इसके इस साइड तो नॉन जीरो हैं, बट इस साइड नॉन जीरो कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे ये शुरू में ही लिखा गया है, तो हम इसको जीरो को अब काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास 1, 2, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इस नंबर में भी देखिए 0.0032। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्या हैं, लीडिंग ज़ीरो हैं। ओके, जब ये लीड कर रहे हैं नंबर को, इनके पीछे कोई भी आपका नॉन जीरो नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो वंस अगेन यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, 3 और 2, ठीक है, कितने हो गए, 2। ओके, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4, ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, बोला कि जो ट्रेलिंग का मतलब होता है पीछे पीछे से, ठीक है, मतलब बिल्कुल राइट साइड से आपको कहा गया है, वो वाली जीरोज़ जो कि डेसिमल के बाद में हैं,
ठीक है, और ट्रेलिंग जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। ओके, रूल क्या है कि डेसिमल के बाद जो जीरो ट्रेलिंग में होती हैं वो सिग्निफिकेंट होगी। ओके, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, एक 9 है, एक 2 है, एक 0 है और एक 0 है, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, जैसे 9.20 डेसिमल के बाद जो भी जीरो होगी, चाहे वो सबसे लास्ट में क्यों नहीं है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट होगी ये। ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पे था लीडिंग जीरो। ठीक है, अगर वो लीडिंग में है, ठीक है, शुरू में है, तब वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ओके, हाँ, अगर वो ट्रेलिंग में है, ठीक है, लास्ट में है डेसिमल के, मतलब कुछ इस तरह से है कि लास्ट में, देखो जैसे यहाँ पे इस जीरो को देखिए किस में है, लास्ट में है, तो उस जीरो को क्या मानेंगे हम, सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। ओके, अब आप देखिए, ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विद नो डेसिमल शॉन आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पे है, ये मैंने लिखा है 5400। ओके, अब देखो ये भी तो ट्रेलिंग जीरो है, ठीक है, लास्ट वाली पीछे वाली जीरो है ना ये 5400 में, ठीक है, 5400 में, बट ये जीरो किसी डेसिमल प्लेस के बाद नहीं है। ठीक है, कौन सी जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, जो डेसिमल प्लेस के बाद वाली होंगी, पर ये डेसिमल नंबर है ही नहीं। ओके, तो अब ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ओके, और नॉन जीरो तो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, तो इसमें 5400 में कितना हो जाएंगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, यहाँ पे क्यों सिग्निफिकेंट हमने ये बोली, क्योंकि ये डेसिमल के बाद की है। ओके, चलिए अगला जो हमारे पास है, प्योर नंबर कॉन्स्टेंट हैज़ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जो प्योर नंबर होते हैं, जैसे आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, 1 मोल, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, किसी मटेरियल के लिए। स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कॉन्स्टेंट रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात कर लूँ मैं, या मतलब कोई मटेरियल है उसके लिए क्या होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जब ऐसे हमारे पास प्योर नंबर आ जाते हैं, जैसे मैं बोलूँ 1 मीटर, ठीक है, अब इसके पास क्या आ गया, एक यूनिट आ गई है। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब पावर ऑफ 10 इज इनसिग्निफिकेंट। अब आप देखिए, यह मैंने लिखा है 2.4 × 10^8, तो 10^8 जो है ये इनसिग्निफिकेंट है। ओके, यहाँ से हम कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2.4 है यहाँ पर। ओके, तो आप देखिए 2.4 में 1 और 2 कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास। ओके, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक। इसको आप दोबारा से, वीडियो को दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।